अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत मज़ेदार गोश्त की डिश बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है और हर एक की कोशिश होती है कि ईद डिश बहुत इजी लेकिन मुनफरिद हो और बहुत ही मज़ेदार भी हो। सो आज की डिश बिल्कुल वैसी है, रान रोस्ट। देखने में लगेगा कि बहुत मेहनत की होगी लेकिन बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। चलें शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक अदद रान जो कि तकरीबन 2 kg की हो, एक प्याज, 5 से 6 लहसुन के जवे, नमक काली मिर्च, 1 कप पानी, सिरका और 1 कप घी तलने के लिए। सबसे पहले रान को अच्छा सा धो लें और साफ़ कर लें और उसके बाद किसी भी टिश्यू से या टॉवल से इसको ड्राई कर लें। अब इस पर 1 इंच के फासले से कट लगाएं। इतना डीप कट लगाना है कि हड्डी टच करे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह कट लगा लेंगे। अगर आपको लगे कि कट्स हड्डी को टच नहीं कर रहे तो थोड़ा सा और गहरा कर लें ताकि मसाला हड्डी तक चला जाए। ये हमारी तैयार हो गई। अब हम एक पैन में घी गरम करेंगे। मैंने यहाँ देसी घी लिया है लेकिन आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को पहले अच्छे से गर्म होने दें फिर रान ऐड करें। घी का टेम्परेचर तकरीबन 200 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब इस तेज़ गर्म घी में रान रखते हैं। आपको ये आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। जब ये सिज़ल की आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि हमारी रान अच्छे से गोल्डन ब्राउन होगी। अब इसको हिलाना नहीं है, बस इसको यहाँ पे रखते हैं 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद पलटा के देखें कि अगर रंग आ गया है तो फिर दूसरी साइड चेंज कर दें, अगर नहीं तो वापस रख दें। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट और दूंगी। अब इसकी साइड पलटाते हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और ये कलर तभी आएगा अगर आपका घी अच्छे से गर्म हो और गोश्त को आपने पहले से खुश्क कर लिया हो। अगर गोश्त खुश्क ना हो या घी का टेम्परेचर कम हो तो फिर क्या होगा कि गोश्त पानी छोड़ देगा और ऐसा कलर नहीं आएगा। इस तरह तेज़ आंच पे ब्राउन करने के हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा मीट बहुत जूसी रहेगा। इस तरह तमाम साइड्स को ब्राउन कर लें। जब सब साइड्स हो जाएं तो एक रोस्टिंग पैन में निकाल लें। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे बेक करूँगी इसलिए मैं इसको बेकिंग पैन में निकाल रही हूँ, लेकिन अगर आप बेक ना करना चाहें तो आप इसको एक देचकी में निकाल लें। अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज, 2 जवे लहसुन के, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, 2 लहसुन से रान में बहुत मज़ेदार टेस्ट आ जाता है। स्टीम क्रिएट करने के लिए अब मैं 1 कप पानी लूँगी और इसमें मैं डालूँगी
3 टेबलस्पून सिरका। सिरका डालने से अगर गोश्त की कोई स्मेल या उछान हो तो वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं डालूंगी नमक तकरीबन 2 टीस्पून, या आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। वैसे नमक का ये रूल होता है कि अगर आपके पास 1 केजी मीट है तो आप उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। लिहाजा ये रान 2 केजी की थी, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। काली मिर्च 1.5 टीस्पून। आप यहाँ देखें कि मैंने कोई कॉम्प्लेक्स स्पाइसेस यूज़ नहीं किए, सिर्फ नमक और काली मिर्च, ताकि मीट का अपना जायका इन्हांस हो। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और गोश्त के ऊपर डाल दें। सब तरफ अच्छे से डालें ताकि मसाला अच्छे से पहुंच जाए। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह। और मसाला हाथ से अच्छी तरह लगा दें ताकि अच्छी तरह कट्स के अंदर तक चला जाए। बस दैट्स इट। अब हम इसको फॉइल से कवर करेंगे और बेक करने रखते हैं। अगर आप बेक नहीं कर रहे तो फिर आप डेचकी के ढक्कन को अच्छी तरह फॉइल से कवर कर दें या फिर आटे से, और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। और अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 4 घंटे के लिए। ये रान पे डिपेंड करता है, अगर रान बड़ी है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी और अगर छोटी है तो वो कम टाइम लेगी। 1-2 घंटे के बाद निकाल के देखें कि पानी खुश्क तो नहीं हो गया। अगर आपको लगे कि पानी खुश्क हो गया है तो फिर आप आधा ग्लास और पानी डाल दें और इसकी साइड टर्न करें इस तरह, और दोबारा बेक होने रख दें। चार घंटे के बाद अब इसको चेक करते हैं। जी ये तैयार है, क्योंकि देखिए गोश्त हड्डी से छूट रहा है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह गल गया है। इसको हम इस तरह डिश आउट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और गोश्त अच्छा सा गल भी गया है। देखें कितनी आसान है, सिर्फ आपने पहले फ्राई किया, फिर मसाला लगाया और बस बेक होने रख दिया। देखें ये हमारी ब्लैक पेपर सॉस भी खुद ही से तैयार हो गई है, ये इसके ऊपर पोर करें। एब्सोल्युटली डिलीशियस। मैं इसको सर्व कर रही हूँ स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ। इसमें मैंने लिए आलू, गाजरें, ब्रोकली और मटर। इनको मैंने स्टीमर में स्टीम कर लिया और उसके बाद नमक और काली मिर्च छिड़क दी। बस ये देखें आपकी ज़बरदस्त ईट डिश तैयार है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही आराम से तैयार हो जाने वाली। अगर आप अपनी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप ये डिश ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा। ये देखें गोश्त किस कदर गला हुआ है और कितना आराम से कट रहा है, और देखें कितना जूसी है, बिल्कुल भी मीट अंदर से ड्राई नहीं है। और ये देखिए अंदर हड्डी तक गला हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट। अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।
दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।